हेलो। हाँ, मेरे देश के शूरवीरों, मेरे जवानों, अग्निवीरों, आपने जो एग्जाम दिया है वो समय आ गया है। आप एग्जाम देकर आए, जल्दी से फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर ले। मैंने जो भी बच्चे पेपर देकर आ रहे न्यू मॉर्निंग क्लासेस से, उन सभी बच्चों से आकलन किया। लगभग 150 बच्चों ने जो एग्जाम दिया है और अभी दे रहे हैं, और काफी बच्चे, सबका मैंने आकलन करके आपके लिए आज कट ऑफ लेकर आया हूं कि किस प्रकार से आपके इतने नंबर आने पर आपका फिजिकल के लिए बुलावा आ सकता अग्निवीर के अंदर। आप लोगों को पता है, पहली बार ऑनलाइन पेपर हुआ है, इसके अंदर काफी बच्चे कंफ्यूज हुए हैं और सिलेबस से आउट ऑफ क्वेश्चन भी इंडियन जीके के अंदर आपको पूछे गए थे। आपको पता होगा, करंट के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर हर पारी के अंदर आए हैं। इस कारण मैरिट जो आप सोच रहे थे उसके मुताबिक जाने वाली नहीं है, मैरिट लेवल पे रहने वाली है और आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर ले। देखिए, आपको पता है कि 50 क्वेश्चन एग्जाम में आए, जिसके अंदर 60 मिनट आपको समय मिला था और पहली बार ऑनलाइन होने के कारण बच्चे काफी हड़बड़ाहट में थे, जिसके अंदर क्वेश्चन या उसको पीसी को चालू करना उसमें मिस्टेक या समय खराब हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन छूटे भी बच्चों के और पहली बार देने के घबराहट के कारण पूरे अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए। अगर जो बच्चा 50 क्वेश्चन में से, मैं कह रहा हूं आपको, 32 क्वेश्चन अगर एक्यूरेट वो बचा रहा है, 50 क्वेश्चन में से जो एग्जाम दिया बच्चे ने और माइनस मार्किंग करके अगर 32 से 33 क्वेश्चन अगर वो बचा रहा है, अर्थात एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 32 × 2 = 64, 33 × 2 = 66। मेरा कहने का मतलब है, जिसके 64 से 66 नंबर, अर्थात जिसके 65% के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर ले। कोई घबराने वाली बात नहीं है। अधिकतम मैं जो कह रहा हूं 32 से 33, इससे ऊपर मैरिट जाने वाली नहीं है। चली भी गई तो 35 लास्ट है, 35 वाला तो ऊपर शेफ जोन के अंदर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तैयारी फिजिकल की जमकर करें और जल्दी से अपने पेरेंट्स और न्यू मॉर्निंग डायरेक्टर, क्लास टीचर जो भी है, सबको मिठाई खिलाएं। मेरी ओर से आपको फिजिकल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप फिजिकल क्लियर करके आओगे, आपका निश्चित रूप से चयन होगा अगर आपने 33 क्वेश्चन आप बचा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।